नाउ इट्स द ऑडियंसेस और व्यूअर्स का है ये शो और मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं फ्रेंड्स आई एम वांटिंग टू नो क्या फीडबैक है कैसा लग रहा है सबको सेंटर नाउ आई एम रिलैक्स्ड सेंटर में सेंटर पर वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक तो प्रेजेंट करना नहीं मतलब इतना चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी चैलेंजिंग ये था कि आई वांटेड इट टू बी रियल आई वांटेड कि ऑथेंटिक यू नो एक ऑर्डिनरी मैरिड वुमन की कहानी है तो कहीं पे भी वो फेक नहीं लगनी चाहिए कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कैमरा के लिए किया है या एक शो बना रहे हैं तो अलग कैरेक्टर है शी हैज़ टू लुक वेरी रियल वेरी ऑथेंटिक एंड 90s की है इट्स नॉट इवन टुडे सो सिंपलिसिटी और यू नो ज़्यादा है और एक इनोसेंस उस टाइम का यू नो जब एक्सपोजर कम होता था जनरल एक्सपोजर कम होता था तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी मैंने आई फॉलो माई डायरेक्टर साहिर रजा और मेरी राइटर जया मिश्रा मैंने उनको फॉलो किया टू द टी उनके इंस्ट्रक्शंस उनकी गाइडलाइंस जो भी वो उन्होंने जो मुझे यू नो हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स हुई वर्कशॉप्स हुई उस टाइम में जो जो उन्होंने बोला मैंने फॉलो आप कुछ काम करते हो तो दिल से करते हो और आप होप करते हो कि लोगों को अच्छा लगे बट मैं अपने आप को रिजल्ट से ज़्यादा जोड़ती नहीं हूँ कभी भी आई मीन मुझे जितनी एक्साइटमेंट हुई है इन डूइंग दिस रोल I like to challenge myself और जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन तब होती है अपने से बहुत ज़्यादा और जो मैं कर रही हूँ उससे बट वंस आई हैव डन इट नाउ इट्स आउट ऑफ माई हैंड सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे कि लोग देखें और उनको और आस्था को प्यार दें बस मैं बस यही सोचती हूँ आई होप दिस हैपेंस नहीं आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आई एम वेरी गुड विद क्रिटिसिज्म आई एम वेरी गुड विद अभी तक आगे पता नहीं क्या होगा बट आई एम ओके टू इफ समबडी डज नॉट लाइक इट और समवन लाइक्स इट आई एम ओके I work the same way in everything. I have only one way of working, which is like a student. I follow my director, I follow my writers, and I follow what they have to tell me. And वो जो चाहते हैं मुझसे निकलवाना, I do that. So even in television, I had the same approach. वहाँ पे system अलग है और teams अलग होती है और तरीका काम करने का अलग होता है. But मेरा यही approach था तब भी. I used to go into the backstory, make it look believable. Add gravitas, try to add value to what the writing was and it's the same here, it's just that aapko log alag alag hote hain, teams alag hote hain, yahan pe bound script halte hain aur you know we work with a full script before you went on, you know, we did a workshop for a month, so that is different but my approach is always the same, I always get